आज 7 जुलाई था। 7 जुलाई मतलब आज से 4 साल पहले हम सब ने गौरव तिवारी को खो दिया था। मैं कहता हूँ कि मैंने अपना एक बेस्ट फ्रेंड खो दिया था, छोटा भाई खो दिया था। और इससे पहले की जो भी मेरी वीडियोस आई है, कुछ मैंने लॉकडाउन के सेशन में किया था, तो मैंने कुछ बात करनी चाहिए थी गौरव को लेकर के, और किस तरीके से वो बॉलीवुड में इस्तेमाल हुए हैं जितना मैं जानता हूँ। दुखद ये भी है कि आज 7 जुलाई है, मतलब अजीब अजीब सा कुछ ना। मुझे तो अब इसको क्या कहा जाए, परम्यूटेशन कहा जाए, कॉम्बिनेशन कहा जाए, कि गौरव भाई का आज हमें छोड़ के गए थे गौरव भाई, और MS धोनी का आज बर्थडे है, इतने बड़े लेजेंड इंडिया के। और जो धोनी मैं कह रहा हूँ आप इशारा समझ गए होंगे। तो मैं उस पे बात करना चाहता हूँ आज। कल रात मैंने कुछ कम्युनिकेशन स्टैब्लिश किया था, हालांकि सारा फोकस मेरा गौरव भाई को लेकर के था, गौरव पे था कि उनसे कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो। आप ये मान के चलो कि 90 मिनट्स के सेशन में शायद 3-4 मिनट ही कुछ है ऐसा जो दिखाया जा सकता है और जिसमें कुछ आपको लगेगा कन्विंसिंग है, बाकी मुझे वैसा कुछ कन्विंसिंग लगा नहीं। और उस सेशन में भी मैंने सुशांत भाई से लेकर के कुछ सवाल किया था, सुशांत भाई को लेकर मिंटू से, तो उसमें भी वही इंडिकेशन आई थी जो पहली वीडियो में आई है मेरी पैरेंट कम्युनिकेशन वाली। जो लोग मजाक उड़ाते हैं ना कि भूत नहीं, हम देखिए भूत तो कहते हैं नहीं, हम तो एनर्जी कहते हैं। एनर्जी अगर एनर्जी कहते हैं, समझाने के लिए कहना पड़ता है भूत प्रेत एंड ब्ला ब्ला ये सब। CNN का एक रिपोर्ट उठा करके देख लीजिएगा 2018 का, कि नासा भी इस पे रिसर्च कर चुकी है घोस्ट पार्टिकल पे, और बहुत कुछ मिला है। उस पे भी ज़्यादा बात नहीं करूँगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, समझा पाना भी मुश्किल होगा। अब मुद्दे पर आते हैं। ये जो मेरी वीडियो डिलीट हुई थी उसका कल एक मेल आया है मेरे पास यूट्यूब से, जो सुशांत भाई के फिंगर मूवमेंट को लेकर के थी। उन्होंने साफ साफ बोला कि उस वीडियो में पॉलिसी वायलेशन थी, और जब मैंने स्टडी किया तो वाकई में पॉलिसी वायलेशन थी। मतलब कि वो जो मैंने उसमें शुरू में बॉडी दिखाया था, वो जिसको लोग कह रहे हैं फिंगर मूव हो रहा है, यूट्यूब के हिसाब से वो नहीं डालना था। अब सवाल ये उठता है, साफ साफ मेल में है कि उस वीडियो को रिपोर्ट किया गया है, उनके मेल से पता लग जाएगा। वो भी मैं आऊँगा किसी दिन उस वीडियो को लेके। गौरव भाई एक ऐसे इंसान जिन्होंने मतलब एक नॉर्मल लोगों का इरेशनल फियर जो होता है ना, वो ख़त्म करने की कोशिश की है अपने नॉलेज के दम पे, अपने नॉलेज के बेस पे। प्रॉब्लम ये थी कुछ घटिया बुक राइटर्स जो होते हैं, स्टोरी राइटर्स, उनको इस बात से गौरव की प्रॉब्लम थी। बॉलीवुड के कुछ घटिया प्रोड्यूसर डायरेक्टर जिनको मसाला कंटेंट पे ही जो मतलब उनका काम चलता है सारा, भले वो सच हो या गलत हो। उनकी डेथ के बाद क्या हुआ था कि इनको एक बहुत ज़्यादा एक इनके लिए ना एक पॉजिटिव वे सा बन गया था कि यार जो बंदा जिसने भानगढ़ को साबित किया है कि भानगढ़ में कुछ नहीं है। अब देखिए भानगढ़ को पिछले 50 साल से हॉन्टेड बना के रखा गया था, एशिया नंबर 1 हॉन्टेड प्लेस। गौरव तिवारी ने उसको क्लियर कर दिया था कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। एक बार नहीं, 5 बार, मैं खुद उनके साथ 2 बार गया हूँ, मैं खुद जा चुका हूँ, बता भी चुका हूँ मैं भानगढ़ के बारे में। तो जो बड़ा नाम एक था ना भानगढ़ का, तो एक इनके लिए जो एक मसाला होता ना मूवी का, वो ख़त्म हो गया। और उनके डेथ के बाद कुछ लोग पीछे पड़े हुए थे कि क्यों ना एक मूवी बनाई जाए जिसमें दिखाया जाए कि गौरव भानगढ़ से आए हैं और उसके बाद उनके साथ कोई नेगेटिव एनर्जी उनके पीछे पड़ गई और उस नेगेटिव एनर्जी ने उनकी जान ले ली। आप मेरे तब के पोस्ट सब देखना FB के, 2016 की बात कर रहा हूँ, जुलाई अगस्त। मैंने कभी इस थ्योरी को सपोर्ट नहीं किया आज तक, ना मैं करूँगा। अगर वाकई में नेगेटिव एनर्जी या इस तरह की एनर्जी इतनी डेंजरस होती तो फिर मैं क्यों कर रहा होता, मेरा भी गेम बच गया होता कब का, मतलब मैं मर जाता।
मुझे उसके बाद कई लोगों ने अप्रोच किया, 2017 में अप्रोच किया मुझे कुछ लोगों ने कि हमें एक मूवी बनानी है और जिसमें हम ये दिखाना चाहते हैं कि गौरव के साथ जो उनका डेथ है वो पैरानॉर्मल कनेक्शन है। तो मैंने कहा नहीं, मैं अग्री नहीं करता इस पे। उनको मेरा सपोर्ट इसलिए चाहिए था क्योंकि जीटी भाई के साथ, गौरव के साथ सबसे ज़्यादा लोगों ने मुझे देखा है टीवी चैनल्स पे और काफ़ी जगह पे। मैंने डिनाई कर दिया साफ। फिर उन्होंने मुझे ऑफ़र किया, फाइनेंशियली ऑफ़र किया, मतलब कि हम आपको इसमें हो सकता है थर्ड लीड रोल भी दे दें, 5 लाख रुपए तक का ऑफ़र भी कर दिया कि आप इसको अगर सपोर्ट कर देते हैं ये वो। मैंने कहा नहीं, जो है नहीं, मैं मानता नहीं, मैं क्यों करूँगा। जब उन्होंने देखा दाल नहीं गली तो उसके बाद इन्होंने धमकी दिलवानी शुरू कर दी मुझे। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से धमकी आती थी, सिंगापुर से कॉल्स आते थे कि अगर, और किस लिए आते थे? देखिए धमकी क्यों आती है, धमकी किसी को आती है, कोई किसी से पैसे मांग रहा है, कोई किसी का क्राइम को अगर उजागर करना चाह रहा है तो उसको धमकी आती है कि तुम चुप रहो अपना काम करो। बट मुझे क्यों धमकी आती थी? मुझे धमकी आती थी कि भानगढ़ के बारे पॉजिटिव मत बोलना, मतलब मुझे बोलना है कि भानगढ़ में एनर्जी है, भानगढ़ सबसे डेंजरस प्लेस है, मुझे ऐसे थ्योरी को सपोर्ट करना है कि भानगढ़ के ऊपर से चिड़िया या कौवा भी जाए तो वो जल के, उनका पंख जल जाता है और वो नीचे गिर जाते हैं। वहाँ भी मैंने वही कहा, मेरा जो वर्ड था घंटा, अब तो जो मर्जी मैं करूँगा, उखाड़ना उखाड़ लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर 2017 चला गया, 2018 लास्ट में मुझसे कांटेक्ट किया एक फिल्म मेकर ने। उसने पहले मुझे कांटेक्ट किया कि गौरव भाई पर एक मूवी बनानी है और ऐसा है वैसा है, तो आप सबसे अच्छे उसके किरदार हो, आप बेस्ट फ्रेंड हो उसके। बट अब जब उसने उसका स्क्रिप्ट दिखाया ना, तो स्क्रिप्ट में एकदम साफ वही मेंशन था कि गौरव भानगढ़ गए हैं और आने के बाद जो है उनके साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही है, तो वो अपने गर्दन को पकड़ रहे हैं, तो किसी, अब आंखें बाहर आ रही है, इस तरह का उसका स्क्रिप्ट था। तो मैंने बोला यार क्या है, मैं तो मैं नहीं कर पाऊंगा, किसी और से करवा लो, मुझसे क्यों करवा रहे हो। बहुत कोशिश किया कन्विंस करने का, जब मैं कन्विंस नहीं हुआ तो उसके बाद उन्होंने डर्टी पॉलिटिक्स अपनाया। सैटरडे में अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा होता था यहाँ पे इसी जगह पे ही। अब सैटरडे है, मेरे दोस्त है, फ्री होते थे रात, तो पार्टी सब करता है तो मैं भी करता था पार्टी, समझ लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। तो घड़ी घड़ी मुझे रात को 12 बजे, 12:30 बजे, 1 बजे मुझे कॉल करता था। मैं कहता था सर आप कल कॉल कर लेना, परसों कॉल कर लेना, ये दोस्तों के साथ हो। तो मुझे कहता था नहीं, मुझे अभी बात करनी है मिस्टर वकार राज, मुझे अभी बात करनी है। आप क्या छुपा रहे हो, आप मुझे अवॉइड नहीं कर सकते, आप कुछ छुपा रहे हो, आपको बात करनी पड़ेगी। मैंने कहा सर आप दिन में बात कर लेना, तो आपको पता नहीं है दिन में हम बहुत बिजी होते हैं, हम दिन में किसी से बात नहीं कर सकते। अब ये जब सुना तो मेरी एक दिन हीटिंग आर्गूमेंट हो गई उस प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो भी है उससे, और फुल गाली गलौज हो गया। मैंने यहाँ तक बोल दिया कि तू क्या है, यहाँ तक बोल दिया तेरे ऐसा ऐसा बंदा तो मैं ड्राइवर भी ना रखूँ। इस बात को उसने इतना ज़्यादा पर्सनल लिया, इतना ज़्यादा पर्सनल लिया कि 2019 में पता नहीं किसने उसको फाइनेंस किया, 3-4 लाख रुपए उसने खर्च कर दिए जंतर मंतर पे, मेरे अगेंस्ट धरना तक दिया, कुछ न्यूज़ चैनल्स को भी बुलाया और उसमें इंटरव्यू दिया, मतलब कैमरे पे बोल रहा है, एलिगेशन लगा रहा है मेरे ऊपर कि मेरा हाथ है गौरव भाई की डेथ में। और चालाकी उसने ये की थी उस बंदे ने कि रात को मुझे कॉल करता था और पता नहीं उसको पता कहाँ से लगती थी कि हाँ मैं दोस्तों के साथ हूँ, मैं पार्टी कर रहा हूँ, ये बात मुझे भी नहीं समझ आई कभी, और उसी वक्त करता था और फुल गाली गलौज है उसमें। ठीक है, बहुत सारी बातें उसने मुझे बोली जो इनअप्रोप्रिएट थी, जिसका कोई सर पैर नहीं है, पलट के मैंने भी बोल दिया कि ऐसा नहीं ऐसा है, मतलब उसने फुल अपना दिमागी जो शातिराना दिमाग होता है लगाने का कोशिश किया। चलो ठीक है, जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन भी कर दिया, 3-4 लाख रुपया खर्च भी कर दिए 2 दिन में, साफ साफ चैनल पर आकर बोला है कि नोएडा पुलिस में हमने FIR किया है, ये किया है, वो किया, ये किया, वो किया, सब कुछ वो सब इंटरनेट पर है, आप लोग ढूंढ सकते हो। बट क्या हुआ, देखिए मैं आपके सामने हूँ, अभी 2020 आ गया, अभी अब फिर कुछ ना कुछ वो भी चक्कर में होगा कि हाँ फिर कुछ ना कुछ अभी करना है, तो हम लोग इतना टेंशन नहीं देते इन बात को। गौरव भाई के बारे बस इतना बोलूँगा कि वो एक ऐसे इंसान थे कि जो आज बहुत सारे
हॉरर व्लॉगर है ना यूट्यूब में, मतलब काफी फेमस है वो। आज सब आ गए हैं केटो मीटर और इक्विपमेंट पे, जो कभी इक्विपमेंट्स को गाली देते थे कि ये मशीनों से क्या होता है। तो एक बात तो बोलूंगा कि बॉस इन्होंने ये काम तो किया है कि आज सबके हाथ में केटू आ गया है। और देखिए मैं जो कर रहा हूँ ना आज, मैं इसको अपनी एबिलिटी नहीं मानता हूँ, ये सारा अचीवमेंट गौरव को ही जाता है, मेरी इसमें कोई अचीवमेंट नहीं है। अभी ऐसी ऐसी चीज़ें मुझे देखने को मिल रही है कि सोचता मैं भी हूँ कि टेड टॉक वालों ने मुझे बुलाया, मेरी स्पीच लोगों ने देखी, वहाँ पे टिकट 1100 रुपये का होता है स्पीच सुनने के लिए। उन्होंने ये किसने करवाया है कि यूट्यूब चैनल पे वो जो कंटेंट है उसको फ्लैग्ड बना दिया गया है, मतलब ये अप्रोप्रिएट नहीं है। आज से कुछ दिन पहले तक जो मैंने बोला था वो अप्रोप्रिएट था, और इधर कुछ दिनों से वो इन अप्रोप्रिएट हो गया। तो मुझे भी बातें समझ में नहीं आती। बाकी मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि आप जो भी कंटेंट देखते हैं आप अपने ब्रेन का इस्तेमाल करें। थैंक यू। और एक मैं लिंक दूंगा, एक कोई कुकिंग का यूट्यूब चैनल है, मुझे तो लगा उनका अच्छा है, शायद कंटेंट अच्छा बनाती हैं वीडियो, तो आप देखो। अगर आपको लगता है कि सब्सक्राइब करना चाहिए तो आप कर लो उसे। और बिगिनर्स को भी थोड़ा सा आप सपोर्ट करो, जो लोग वेल स्टैब्लिश्ड हैं, जिनके 3-4 लाख, 10 लाख, 5 लाख सब्सक्राइबर हैं, 30 लाख हैं, उनको उतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो बिगिनर हैं उनको आपके सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे आप लोगों ने भी अपने सपोर्ट से कि आप लोगों ने सरकारें बनाई हैं। मैं यूट्यूब तो बहुत छोटी मोटी चीज़ है, छोड़िए, सरकारें बनाई हैं आप लोगों ने, तो आप इसको पता होगा। और ये जो मैं जंतर मंतर वाली बात बोल रहा था, कि ये भी मुझे अब सुन करके अच्छा लगता है, जान करके कि हाँ, जो लोग मुझे कहते हैं ना यूट्यूबर है, मैं यूट्यूबर नहीं हूँ। इंडिया में कोई भी यूट्यूबर दिखा दीजिए जिसके अगेंस्ट जंतर मंतर जैसे जगह पे किसी ने प्रोटेस्ट किया हो, वो भी 200-300 लोगों को लेकर के। कोशिश होगी मैं जितनी हेल्प कर पाऊँ आप लोगों की मैं करूँगा, पैरा को लेकर के कोशिश होगी, मैं कमिटमेंट नहीं कर सकता। थैंक यू और सबको शुभ रात्रि। मैं बात कर रहा हूँ गौरव भाई आपके बारे। कोई लाइट आ सकती है? K2 पे मुझे K2 पे चाहिए, ये मेरी जो उंगली है ये, इस पे K2 पे चाहिए मुझे, इस पे चाहिए। क्या इस साउंड से आपको एनर्जी मिलती है? मैं इसे हाँ मानू, ट्राई फील्ड में मैं कुछ इंडिकेशंस देख रहा हूँ, क्या ये बंद हो सकता है? चलिए अब अपना नाम बताइए दुनिया को। आपको सबसे ज्यादा किस पे ट्रस्ट है IPS में? नहीं यू नहीं, नाम बताइए। नाम बताइए, यह पहला कैरेक्टर बताइए, उसके नाम का पहला कैरेक्टर। कुछ सुनाई दिया था, वेरीफाई करूंगा। अच्छा सर एक बात ये बताइए कि आजकल ये जो सुशांत को लेकर के चल रहा है, आपको क्या लगता है S और M?
एक बार बाई बोल दीजिए ना, थोड़ा कन्विंसिंग लगेगा। वो भाई मुझे सुनाई दिया था, वो फीमेल वॉइस टाइप लग रहा था। भाई आप बोलो। भाई जनाब, मैं आपको बोलता जनाब, आप भाई बोलो, मैं जा रहा हूँ। थैंक यू, बहुत सही लगा।